नमस्कार, फास्ट मनी 10 में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें अब इंट्राडे की तैयारी होगी। देखिए, सुबह जब बाजार खुलता नहीं 7:30 बजे तो आपको बताए जाते हैं कुछ शेयर्स जो तेजी पकड़ सकते हैं, लेकिन अब बाजार खुल चुका है। आज कुछ स्ट्रांग ओपनिंग नहीं देखने को मिली, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बाजार पे रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं। आपको बस उन्हीं स्टॉक्स पे आज ट्रेड करना है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस फॉलो कीजिए और हो सके तो अपने वित्तीय सलाहकार की एक बार सलाह जरूर ले लीजिए। मेरे साथ सब कंप्लीट करने संदीप, मैं हूं रजत। बताइए, शुरुआत आप करेंगे और तेजी के सौदे के साथ ही करेंगे। इनफैक्ट रजत शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कल फास्ट मनी 10 में कॉल्स बताई गई थी, कुछ जो रिकमेंडेशन दिए गए थे, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिला है। उसमें कुछ ऐसे स्टॉक्स भी थे जिसमें प्रभार डेयरी, मैंने कल पहले शेयर बताया था, जब मैंने बताया था तो वो स्टॉक 6% ऊपर मूव कर चुका था, लेकिन जो क्लोजिंग हुई वो 20% के ऊपरी सर्किट पे जाके हुई। इसके अलावा EKC बताया गया था, मल्लू पेपर, पिटी लैमिनेशन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं। उम्मीद करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स आज भी होंगे जो पोटेंशियल रखते हैं कि 10-10% चढ़ जाएं। ऐसे भी कुछ स्टॉक्स होंगे आपके पास? बिल्कुल, इंट्राडे में मौके होते हैं। 7:30 की बात तो आप छोड़ दीजिए, वहां तो काफी अच्छे ट्रेड्स बताए जाते हैं। आपने कुछ स्टॉक्स बताए जिसके टारगेट हिट हुए हैं, लेकिन मैं शुरुआत कर देता हूँ आज के लिए। जो पहला स्टॉक मैंने चुना है वो एक दिग्गज है, ONGC। इसके साथ मैंने आज शुरुआत करी। इनफैक्ट क्रूड की कीमतें जिस तरह से 2.5 साल की ऊंचाई पे हैं, इसमें आप देखिए करीब 2% के आसपास का आपको ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। देखिए $65 के आसपास अब जो ब्रेंट क्रूड की कीमतें हैं वो देखने को मिल रही हैं। और जो बड़ा ट्रिगर है वो ये है कि सऊदी की एक आम है, उसका एक IPO आने वाला है। और बाजार में दरअसल खबरें ऐसी हैं कि जनवरी में हो सकते सऊदी अरबिया के ऐसे प्लान्स हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि गैस की जो कीमतें हैं उसमें 80% की बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है वर्ल्ड ओवर, जितनी भी ऑयल एंड गैस पीसी कंपनी है। और ONGC का अगर आप देखें तो गैस का पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है, तो इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो मुझे लगता है कि दिन के दौरान ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पर, खासतौर पर ONGC जैसे स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप खरीदारी करें तो दिन के दौरान 189 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। 180 रुपये के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे चलें। ONGC में तो इसका फायदा देखने को मिलेगा, लेकिन एक गैस का प्ले अगर आप देखना चाहें जो कि बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है अगर गैस की कीमतें बढ़ती हैं, तो वो है HOEC। देखिए, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन के नाम से आप इस स्टॉक को जानते हैं, तेल और गैस दोनों की कीमतों में जो बढ़ती हैं उसका फायदा इसे देखने को मिलता है। हाल फिलहाल रजत आपको भी पता होगा, डिरॉक गैस फील्ड है आसाम में इनकी, जहाँ से इन्होंने Q2 के मिड में जो प्रोडक्शन है वो शुरू किया है, गैस की जो बिक्री है वो शुरू करी है, तो जो पूरा इम्पैक्ट है वो इस क्वार्टर यानी कि Q3 में देखने को मिलेगा। तो इनके जो नंबर्स हैं उसमें अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। Q2 के नंबर्स ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग थे और यहाँ से भी अच्छा खासा जो रन अप स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 139 का टारगेट होगा आज के लिए, 131 ये आपको दिन के दौरान स्टॉप लॉस होगा। लेकिन मैं इंजीनियर्स इंडिया के साथ ही जाऊंगा। देखिए, सुबह भी बताया गया था कि ये तेज खुलेगा और बिल्कुल उसी तरीके से ओपनिंग देखने को मिली है इस स्टॉक की, 190 के लेवल को पार कर चुका है। लेकिन क्यों लिया गया ये स्टॉक? वो इसलिए क्योंकि अगर आप पिछले 3-4 दिन का ट्रेडिंग पैटर्न देखेंगे तो इसमें वायदा कारोबार में तेजी के सौदे ज्यादा हैं। लगातार ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब, और वो भी प्राइस बढ़ने का मतलब, ट्रेडर्स ज्यादातर तेजी के सौदे ही इस स्टॉक पे बना रहे हैं। कोई भी डिप आ गया तो फिर से खरीदने लायक ये स्टॉक है। लेकिन आज इंट्रा डे के लिए आपने खरीद लिया है, तब भी 195 का टारगेट, अभी खरीदते हैं तो 195 का टारगेट, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस को आप ट्रेल करना होगा, 188 ये आपके दिन का आज का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग है गोदावरी पावर। इस स्टॉक पे लोअर लेवल से खरीदारी अब बढ़ती हुई नजर आई है। देखिए, हाल फिलहाल में जो कंपनी ने नतीजे पोस्ट किए थे उसमें घाटे से मुनाफे में आई थी Q2 में, 45 करोड़ के घाटे के मुकाबले लगभग 22.5 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने क्लॉक इन किया था। अब शेयर चल पड़ा है और यहां से हो सकता है कि एक स्ट्रांग मूव दे आज के सत्र में, 188 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट्स आप 200 या 201 के आसपास का रख सकते हैं। शुरुआती एक घंटे में अच्छे वॉल्यूम्स हैं, अभी तो ये तेजी पकड़ी तो इसमें 194 एक बार हो चुका है ये स्टॉक, लेकिन फिर से हो सकता है आज लोअर लेवल से खरीदारी स्टॉक में बढ़ती हुई नजर आए। एक स्टॉक है रियल एस्टेट स्पेस से DLF, इसमें हमने देखा है कि 200 रुपये के नीचे के लेवल्स देखने को मिले थे जब रिजल्ट्स आए थे, और उसके बाद से देखिए लगातार जो मूव है वो ऊपर की ओर ही देखने को मिल रहा है। देखिए, इस स्टॉक में हर गिरावट पे आप देखिए पुलबैक काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, और इनफैक्ट जो खरीदारी के संकेत है वो काफ़ी स्ट्रांग है, तो जब भी गिरावट हो तो एक्यूमुलेट करके चले स्टॉक में। आज के लिए स्टॉप लॉस रखें 236 के आसपास, इन्हीं लेवल्स के आसपास आप चाहें तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। मुझे लगता है दिन के दौरान इसमें आसानी से 245 तक के जो जोन्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो बाइंग इंटरेस्ट है वो स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इसके अलावा मार्केटर, आप जानते हैं कि ये शिपिंग कारोबार के नाम से जाना जाता है मार्केटर का स्टॉक, लेकिन देखिए शिपिंग के अलावा इसका ऑयल एंड गैस का भी प्ले है। इन्होंने इनके पास ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स भी हैं जहाँ से क्रूड का उत्पादन करते हैं, और जिस तरह से क्रूड की कीमतें 2.5 साल की ऊंचाई पर हैं इनको भी इसका फायदा देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि अबान, सेलान जैसे जो स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है, लेकिन इसमें अभी तक मूव नहीं देखने को मिला। इनफैक्ट HOEC की तरह इसे भी इस रैली में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि बाजार जब तक इसे रियलाइज करेगा 39.5-40 तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक में आज के आज ही देखने को मिल सकते हैं। आप 36-80 के आसपास का एक छोटा स्टॉप लगाएं, क्रूड की जो तेजी है उसका इंपैक्ट आना स्टॉक में अभी बाकी है।
अच्छा, एक शेयर है वीटो स्विच गियर। देखिए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स सेगमेंट से जुड़ी कंपनी है ये, और आज इस स्टॉक पे अच्छी बेट लग रही है। ये जो 236-238 का जोन है ना, अगर यहाँ पर टिक गया तो इसको ब्रेकआउट समझिए जो वीकली चार्ट्स पे स्टॉक पे देखने को मिलेगा। वीकली चार्ट्स बेहद मजबूत हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि 236 के लेवल्स को आज किसी ना किसी तरीके से होल्ड कर जाए, नेक्स्ट मूव इसको बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। लेकिन आप फिलहाल आज के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो 248 का लगा लीजिए एक टारगेट, और 230 का स्टॉप लॉस दिया गया था जब ये 236 पे कोट कर रहा था। अब दिन के उच्चतम स्तर पे तेजी में है तो आपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलिए दिन के दौरान, लेकिन टारगेट 248 का वीटो स्विच गियर पे देखने को मिल सकता है। एक और स्पेस एक्टिव है और वो है होजरी से जुड़े शेयर्स। अभी थोड़ी देर पहले मैं चेक कर रहा था, उसमें लवेबल तेज था, रूपा में लगभग डबल डिजिट रिटर्न्स हैं। मैंने चुन लिया वीआईपी क्लोथिंग को। लवेबल नहीं चुना आपने? नहीं, लवेबल पहले 5-6% का मूव ऑलरेडी दे चुका था, तो हो सकता है कि वो आज के सत्र में आउट परफॉर्म करे मार्केट को। तेजी है, देखिए कल ऐसे ही देखने को मिला था, पेपर शेयर्स चलने को आए तो एज अ होल पूरा ही ग्रुप सभी स्टॉक्स इकट्ठे चले। आज होजरी शेयर्स की बारी हो सकती है, इन स्टॉक्स में पोटेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग है। वीआईपी क्लोथिंग अपने रडार पर रखें, ये 52 हफ्ते की ऊंचाई के करीब कामकाज कर रहा है, ब्रेकआउट का एक अच्छा स्ट्रक्चर है। हालांकि अभी 65-66 ये एक जोन है, इसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है स्टॉक के लिए। आप आज के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो 62 रुपए का रखिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस, और 68 तक के टारगेट वीआईपी क्लोथिंग पे देखने को मिल सकते हैं। चलिए, पांचवा शेयर जो मेरी लिस्ट में है वो है टीवीएस मोटर्स का। इस स्टॉक पे आप जरूर नजर रखें। चलिए, देखिए लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक जो ब्रेकआउट है वो अब देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो हाल में इन्होंने बीएमडब्ल्यू के साथ मिलकर एक बाइक लॉन्च करी है, तो उसका भी एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन स्टॉक में जरूर देखने को मिला है। लेकिन जिस तरह से लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन बन रही है, इनफैक्ट ब्रेकआउट हो चुका है स्टॉक में टेक्निकल चार्ट पे अगर आप देखें, तो वो अब हो सकता है कि नए अपमूव की तैयारी में स्टॉक जाता है वो दिखे। आज के लिए जो टारगेट प्राइस आप लेके चल सकते हैं वो 780 रुपये का है, एक 755 रुपये के आसपास का छोटा स्टॉप का जरूर लगा। अच्छा, ये जो आपने बताया ना कि ऑफशोर कंपनियां, ड्रिलिंग एक्सप्लोरेशन से जुड़ी कंपनियां, ये इसलिए भी क्योंकि बहुत समय से रिटर्न्स नहीं दे रही थी, अच्छे कंसोलिडेशन के बाद चल पड़ी है। तो अबान जैसे जो स्टॉक्स हैं जहां पर आज अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड किया है इस स्पेस में, हो सकता है कि वहां पर तैयारी हो एक अच्छे मूव की, पर स्टॉप लॉसेज आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे क्योंकि क्रूड का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो इन स्टॉक्स पे देखने को मिलता है। आज चढ़ा क्रूड, ठीक है, 2.5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। ये तेजी अगर क्रूड में और बढ़ गई तो अबान जैसे जो स्ट्रक्चर्स होंगे, देखिए अबान, HOEC, डीप इंडस्ट्रीज जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे, सेलान, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो क्लोजली ट्रैक होंगे मार्केट पे। आप पोजीशन ले चुके हैं तब भी 197 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, खरीदना चाहते हैं तब भी 197 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 211। आज के लिए अबान पे आप बेट लगा सकते हैं तेजी की। चलिए, 10 स्टॉक्स आपको बताए जा चुके हैं, मैंने और रजत दोनों ने आपको खरीदारी के ट्रेड्स ही बताए हैं। आज हम तैयारी कर रहे हैं जो इंट्राडे की कॉल्स है वहां पर, कौन से सौदे हैं जो आप तेजी या फिर मंदी के लिए अभी भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इंट्राडे में भी कमाई आप जोरदार कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। 10 ट्रेड्स आपको बता दिए गए हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ सौदे मेरे पोर्टफोलियो में खरीदारी के ही हैं, वो बता दूं आपको। तो पहला है मुरुदेश्वरा सिरामिक्स। देखिए, बार बार ये जो स्टॉक है ये रिकमेंड किया जा रहा है इस पर्टिकुलर शो में, लेकिन ये तेजी का सेटअप है, स्ट्रॉन्ग मूव इस पर्टिकुलर स्टॉक पे बनता हुआ नजर आया। और ये जो सिरामिक्स और टाइल से जुड़ी कंपनियां हैं, लगातार बेट लग रही है उस पर, कोई भी डिप ट्रेडर्स एक्यूलेट कर रहे हैं। आज तो एशियन ग्रैनाइटो जैसे स्टॉक्स पे एक पॉजिटिव रिपोर्ट ब्रोकिंग हाउसेस की आई और वहां पर कवरेज शुरू हुई। मुरुदेश्वरा सिरामिक्स अब अगर ट्रेड करते हैं तो 4670 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। आज के दिन 49 से 4950 की रेंज पे आप अपने टारगेट्स रख सकते हैं। अच्छा सेटअप और गिरता स्टॉक, एक अच्छा पार्टिसिपेशन पिछले 2 दिनों में स्टॉक में अच्छी रफ्तार पकड़ी है। एक और स्टॉक है नवकार कॉप। देखिए, लॉजिस्टिक्स से जुड़े क्षेत्र को बिलोंग करती है ये कंपनी, अच्छी तेजी में है और यहाँ पर तमाम एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक अपने आप को मेंटेन किए हुए। अभी थोड़ी देर पहले ये स्टॉक 192-193 के जोन्स पे था, अब ये बढ़ गई है तेजी, इसमें 195 के जोन्स पे ट्रेड होना शुरू कर दिया है, 4.5% ऊपर है। लेकिन आज के लिए 198 से 199 ये एक टारगेट रखें, 191 का एक स्टॉप लॉस रखें, या फिर अगर आपने तेजी ऑलरेडी बना ली हो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले। अच्छा, एक रेलवे और पावर से रिलेटेड प्ले है केसी इंटरनेशनल, स्टॉक पे आप नजर रखिए, 52 हफ्ते की ऊंचाई की करीब कारोबार देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट रेलवे बजट से पहले आप देखिए जो मूव है स्टॉक्स में काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, और मंथली चार्ट पे अगर आप देखें तो जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स हैं वो काफी मजबूत डेवलप हो रहे हैं, तो यहाँ से अगर तेजी बढ़ती है तो आज के लिए जो टारगेट प्राइस है वो शायद 363 तक के देखने को मिल सकते हैं, 347-346 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। केसी इंटरनेशनल, ये पावर और उसके साथ साथ रेलवे दोनों का प्ले है, उस लिहाज से आप इस पे नजर रख के चल सकते हैं। एक टेक्सटाइल प्ले है हिम्मत सिंह का सीडे, स्टॉक पे भी आप नजर रखें, आज के लिए 373 रुपये तक की जो चाल है वो देखने को मिल सकती है। टेक्सटाइल शेयरों में काफी अच्छा मूव देखने को मिल भी रहा है, कल अगर आप देखें वॉल्यूम्स के साथ इसमें जो बाइंग इंटरेस्ट है वो देखने को मिला था लोअर लेवल पे, तो आज जो मजबूती है वो
शायद बढ़ती हुई दिखे, लोअर लेवल से फिर से एक 359-360 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाया। यहाँ पे हिम्मत सिंह का सीडे में ऊपर की ओर 373 रुपए तक की जो चाल है वो देखने को मिल सकती है। फार्मा स्टॉक्स जो है यहाँ पर भी आज पकड़ मजबूत है। देखिए डॉक्टर रेड्डीज भी तो खबर थी कि उसमें EIR मिल गया उनके प्लांट 3 को हैदराबाद में, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन आप ये अजंता फार्मा को आप क्लोजली वॉच करें, यहाँ पर भी लोअर लेवल से खरीदारी है आज वायदा कारोबार पे। अजंता, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो ट्रेडर्स की ग्रिप में हैं, तेजी के सौदे ज्यादा बन रहे हैं। अजंता फार्मा ट्रेड करते हैं तो 1480 से 1485 ये एक टारगेट रहेगा आज के लिए। स्टॉप लॉसेस आपको 1448 या फिर 1450 के ब्रैकेट में लगाने हैं। तेजी बना ली है तभी अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। आज फार्मा का हो सकता है कि सेटअप स्ट्रांग है तो इंट्राडे में अगर बाजार रिकवर कर गया तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जहां पर पहले रिकवरी आएगी। एक स्टॉक है सेंचुरी प्लाई, हम सुबह से बता रहे हैं यहाँ जो प्लाईवुड से जुड़ी जो कंपनी है वहां पर हो सकता है तेजी बने, और तेजी बनी भी इसलिए क्योंकि एडलवाइस ने रिपोर्ट पॉजिटिव निकाल दी है सेंचुरी प्लाई पे। उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है और जो टारगेट वो समझ रहे हैं फेयर वैल्यू वो है 442 सेंचुरी प्लाई पे। अभी फिलहाल 331 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज इंट्राडे के लिए 337 से 340 ये एक टारगेट रखें और 327 एक छोटा सा लगा लीजिए स्टॉप लॉस। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी आपके फेवर में। आप ना रजत हौजरी शेयरों की बातचीत कर रहे थे तो एक VIP क्लोजिंग आपने चुना है, मैंने आज के लिए जो शेयर चुना है वो है लक्स इंडस्ट्रीज का। इसमें अगर आप देखें तो मूव काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट अब भी करीब 0.5% के आसपास ही गेंस हैं। लंबे कंसोलिडेशन के बाद वीकली चार्ट पे स्टॉक में अब जो ब्रेकआउट है वो देखने को मिला है, तो टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न है वो काफ़ी स्ट्रांग है और हौजरी शेयरों में जो मूव है ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल सकता है। छोटी अवधि में ही यानी कि पहले हाफ में ही अगर आप देखें तो हो सकता है 1550 रुपये तक की जो चाल है वो स्टॉक में आज के आज देखने को मिल सकती है। एक स्टॉप लगाइए 1500 के आसपास का, हौजरी शेयरों में मूव जो है वो काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पिट्टी लैमिनेशन एक स्टॉक है जो सुबह 7:30 बजे भी आपको बताया गया था फास्ट मनी में, स्ट्रांग मूव स्टॉक में आज भी देखने को मिल रहा है। कल भी जो मूव है वो काफ़ी स्ट्रांग था, 3% के आसपास ही गेंस देखने को मिल रहे हैं। निचले स्तरों से देखिए स्टॉक में जो पुल बैक है वो काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिला और वीकली चार्ट पे यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्रेकआउट साफ तौर पे आपको नजर आएगा। तो टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न हैं वो बेहद मजबूत हैं जो कि स्टॉक को हो सकता है 106-107 तक के जो लेवल्स है वहाँ तक लेके जाते हुए देखे। एक 96 रुपीज़ के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लें। पिटी लैमिनेशन मूव काफ़ी स्ट्रांग है, तेजी आगे और भी बढ़ती दिख सकती है। अच्छा मेन इंडेक्स टूट रहा है लेकिन जो स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स है ना यहाँ पर फिर से खरीदारी जो है वो बढ़ रही है। इंडेक्स खुद ही यहाँ पर हरे निशान में आने की तैयारी कर रहे हैं, फिर आ चुका है इनफैक्ट लो लेवल से एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। टिन प्लेट इस स्टॉक पे नजर रखें, बतौर सुपर हिट शेयर मैंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है, आखिरी स्टॉक होगा मेरी ओर से। अभी फिलहाल 1% के आसपास की तेजी है लेकिन 4 दिनों से अच्छा कंसोलिडेशन है, हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छी तेजी की तैयारी टेन प्लेट करता हुआ नजर आए। ये तेजी का सेटअप है, 1% के आसपास का मूव ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। आप 257 ये आज का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, पहला टारगेट होगा 266, उसके बाद 270 तक का टारगेट टेन प्लेट पे देखने को मिल सकता है। बीते कुछ हफ्तों से अच्छे मोमेंटम है स्टॉक, अभी भी ट्रेडर्स इस पे बेट पॉजिटिव साइड पे लगाएंगे। आज के लिए 266 से 270 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छा आज के लिए जो एक इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है ना रजत मेरी तरफ से जो है वो है साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एक स्टॉक है जो कि आज मैं सुपरेट के तौर पे चुन के लाया हूँ। देखिए आर्ली चार्ट पैटर्न अगर आप देखें इसमें तो प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आपको इस स्टॉक में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप देखिए 52 की ऊंचाई के करीब एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन इस स्टॉक में देखने को मिला है। देखिए स्टॉक आज मजबूत है, 3% के आसपास के गेंस है, 267 के आसपास तक की जो चाल है वो देखने को मिल सकती है जो कि इसने अगस्त 2016 में छुई थी, तो वहां तक का जो अपमूव है वो चार्ट पे देखने को मिल रहा है। आज के लिए बहरहाल 255 तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। एक 240 के आसपास जहां ये स्टॉक खड़ा है 240-239 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। जो मूव है वो ऊपर की ओर वो काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल सकता है। चलिए तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई करा सकते हैं। आपको 20 ट्रेड्स बता दिए गए हैं इंट्राडे के लिए, तमाम स्टॉक्स ये आपके रडार पर रहने चाहिए। जो मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं वो है EIL जिसपे अब तेजी बन सकती है, गोदावरी पार, वीटो स्विच गियर, VIP क्लोथिंग और अबान ऑफशोर, ये तमाम स्टॉक्स तेजी के हैं। इनको आप इंट्राडे के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे जो आपको बताए गए। मुरुदेश्वर सिरामिक्स, नवकार कॉप, अजंता फार्मा, सेंचुरी प्लाई और टिन प्लेट कुछ और स्टॉक्स जहां पर तेजी का सेटअप है शुरुआती सत्र। तेल गैस शेयरों पर नजर थी मेरी आज, ONGC, HOEC इसमें खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा DLF मर्केटर शिपिंग का प्ले है लेकिन इसमें भी तेल गैस का प्ले आता है तो उस पर आप नजर रख सकते हैं। TVS मोटर में खरीदारी करें, 780 तक की चाल देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ रेलवे पावर का प्ले है, KEC इंटरनेशनल, टेक्सटाइल में मैंने हिम्मत सिंह का सीडे को चुना है, लक्स इंडस्ट्रीज हौजरी शेयरों में काफी अच्छा एक्टिव स्टॉक है आज के लिए। पिटी लैमिनेशन सुबह बताया था, अब भी जो चार्ट पैटर्न से काफी मजबूत है और बताओ सुपरहिट साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने चुना था 255 रुपए के टारगेट्स के लिए, इस स्टॉक को आप अप्रोच कर सकते हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जब ब्रेक से लौटेंगे तो आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं बाजार से जुड़ा हुआ, खासतौर से शेयर्स पे, कहीं आप फंस गए हो या फिर कोई ट्रेड लेना चाहते हो तो डायरेक्टली एक्सपर्ट से जुड़े।